देर तक निकल चुके हैं और मैं हो चुका हूँ लेट। वैसे सुबह 6 बजे निकलने का प्लान था पर मेरे ख्याल से 8:30 या 9 हो चुके हैं, 3 घंटे लेट हैं हम। और कहाँ जा रहे हैं, बहुत तेज धूप आ रही है। कौन कौन जा रहा है सारी चीज़ें मैं आपको बाइक के ऊपर बताता हूँ। पेट्रोल भी डलवा लेते हैं साथ के साथ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबा जाना है आज हमें। ओ भाई इतनी भीड़, कैसे काम चलेगा। तो गाइस पेट्रोल डलवा लिया है और गूगल मैप भी लगा लिया है। गूगल मैप पे दिखा रहा है 25 किलोमीटर 43 मिनट और देखते हैं कितना टाइम लगता है, रोड खाली मिलते हैं या ट्रैफिक जाम मिलता है। और अपने साथ एक भाई और जा रहा है अपना मनोज, एंड वो अपनी बाइक पे है। अभी देखते हैं, वो यार अभी तो यहीं पे खड़ा था, कहाँ चला गया, शायद आगे निकल गया। तो मिलते हैं भाई से, किधर है। अच्छा वो जा रहा, दिख गया। वो तो ये भाई अपने साथ जा रहा है मनोज भाई के R15। और आज संडे है तो मेरा प्लान बन गया था कल ही कि भाई कहीं चलते हैं, तो फिर मनोज ने भी कहा चलो मैं भी चलूँगा। मैं कहा ठीक है भाई। वैसे सुबह मेरा प्लान एकदम से कैंसिल हो गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कहा अब नहीं जा रहा। संडे राइड थी, मैं कहा अब नहीं जा रहा भाई। फिर उसके बाद भाई का फ़ोन आया कि हाँ भाई नहीं चल रहा क्या, फिर एकदम से मूड बन गया, मैं कहा अब तो चलो चलो। फिर उठा, नहाया धोया, रेडी हुआ, इतना भाई आ गया और निकल लिए। यार संडे का दिन है और आज भी इतनी सारी गाड़ियां रोड पे, धूम मचा ले। वैसे हाँ मैंने बताया नहीं आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, चलो आगे बताता हूँ, है ना, थोड़ी सी सस्पेंस भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग आज राइड पे निकले हैं, कोई साइकिल पे निकला है, कोई बाइक पे निकला है, सब अपने अलग अलग राइड पे निकले हैं। और जैसे कि एक भाई ये जा रहा, और बहुत सारी सुपर बाइक्स निकली। अभी मेरा कैमरा ऑन नहीं था वरना मैं आपको दिखाता। यहाँ से लेंगे हम ऊपर, चलो जी। ठंड हो गई है वैसे बहुत ज़्यादा, गुड़गांव में ठंड अच्छी खासी है और मॉर्निंग का टाइम है तो ज़्यादा ही लगेगी। ये देखो कैसे कैसे लोग हैं बीच रोड पे, बताओ गेट खोल दिया कुछ भी यार, मतलब एक से एक खलीफा मिलेंगे आपको रोड के ऊपर, कुछ भी हो जाए उन्हें कोई परवाह नहीं है दूसरे की, कि कोई ना आगे चल रहा है कोई पीछे चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, अपना काम बनता वही वाली बात है, आगे क्या आप लोग लगा लो। स्पीड है यहाँ पे 100 की और अपन चलते हैं 84 पे। हाय ये निकली सुपर बाइक, देखा हायाबूसा, और दूसरी वाली का मुझे नाम नहीं पता, बड़ी तेजी से निकल गई दोनों, ड्यूक। मैंने बताया था ना कि आज संडे है तो भाई बहुत सारे राइडर ना आज, मतलब गुड़गांव दिल्ली NCR के जितने भी राइडर है ना सारे आज ही निकलते हैं, क्योंकि भाई संडे को अलग ही फील होता है कि छुट्टी रहती है तो सब अपना एंजॉय करते हैं और हम भी जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। एंड गाइस डेली व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोग बताओ, मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि रोज एक ना एक व्लॉग डालूँ, कुछ ना कुछ कंटेंट डालूँ जो कि आप लोग देख ही रहे हो। तो गाइस वी आर एट हीरो होंडा चौक और ये अप्रोच घर से मेरे ख्याल से 12-13 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और अब बचा है 14 किलोमीटर 26 मिनट। 14 किलोमीटर के लिए भी 26 मिनट दिखा रहा है, होपफुली। वैसे रास्ते बढ़िया थे, वैसे कोई भी ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं मिला और अपन सीधा ऊपर ऊपर हाईवे आ गए। और लेफ्ट साइड में है विलेज खांडसा जैसे कि बोर्ड दिख रहा है मेरे को। रुक के ट्रैक्टर वाले भैया, रुक के। ओ गाइस यहाँ पे तो पानी पूनी भरा है भाई, पीछे का जो 2-3 किलोमीटर का जो पैच निकला है ना इतना गंदा निकला है भाई, पूरा रोड खराब टूटा फूटा और उसमें पानी भी भरा हुआ है लिटरली भाई, इतना गंदा रोड था। और जगह जगह पे पुलिस, जगह जगह पे। ये बिल्डिंग कितनी बढ़िया लग रही है, ये आई थिंक कोई स्कूल है, देख लो
एल्पाइन। बहुत बढ़िया अंकल जी, रॉन्ग साइड, एक नंबर, मजेदार। कहाँ आ गए हम, राइट साइड सदर बाजार, लेफ्ट साइड झज्जर, सीधा द्वारका और सीधा एनपीआर। हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट झज्जर वाले रोड पे, लेंगे यहाँ से लेफ्ट झज्जर की तरफ। अब यहाँ से रह गया लगभग 10 किलोमीटर, 19 मिनट और टाइम हो चुका है 9:43। काफ़ी जल्दी आ गए क्योंकि खाली रोड था तो निकल आए सीधा सीधा, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अरे पिल्लू भैया, अब मुझे ये जगह नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, अगर कहीं पे बोर्ड आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। बसई विलेज, ये लग रहा है ऊपर बोर्ड बसई विलेज का। हम जा रहे हैं फरक नगर की तरफ और हाईवे क्रॉस हो चुका है, शहर से एकदम बाहर आ चुके हैं हम, धीरे धीरे शहर से पूरी तरह से बाहर जाते जा रहे हैं। और ये वाला हाईवे देखो गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो। अब ये पता नहीं मुझे कहां से कहां कनेक्ट करेगा, बट बहुत बड़ा है, दूर दूर तक दिख रहा है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं ना कि मैं कहां जा रहा हूं, गाइस मैं जा रहा हूं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। ये है वाटर प्लांट, जो शहर का गंदा पानी होता है ना उसको प्योरीफाई करके फिर दोबारा रीयूज़ करते हैं, उस चीज़ का प्लांट है। मैं जा रहा हूँ बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था तब मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई थी एंड मैंने फिर गूगल पे सर्च किया कि भाई घर से कितना दूर है, कितना पास है, तब पता चला कि ज़्यादा नहीं, बस 26 किलोमीटर दूर है। और भाई देख के कोई रेड लाइट नहीं है, कोई पुलिस, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा देख के निकलना पड़ेगा। हम आ चुके हैं खेतों में, ग्राम पंचायत धनकोट आ चुके हैं हम, धनकोट। रोड थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, अब यहाँ से रह गया लगभग 6 किलोमीटर और 10 मिनट, देखते हैं अपन कितनी देर में पहुँच जाए। आराम आराम से ही चल रहे हैं गाइस, क्योंकि तेज हमें जाना नहीं है और हमें कोई ज़्यादा जल्दीबाजी है नहीं, आराम से जा रहे हैं, घूम के आराम से आएंगे। ये बच्चा टेढ़ा बैठा हुआ है, आपका बेबी टेढ़ा बैठा हुआ है। भाई बच्चा एकदम टेढ़ा बैठा हुआ था, गिर भी सकता था, तो मगर उसकी मम्मी को कोई फिक्र नहीं है, पर हम तो बता दें क्यों खामोखा कोई दुर्घटना हो जाए। रोड एकदम चौड़े हो चुके हैं बट डबल साइडेड हो गया है, राइट साइड में भी खेत हैं, लेफ्ट साइड में भी खेत है, फिलहाल लेफ्ट साइड में है ठेका। गांव में हर 100-200 मीटर पे पानी ना मिले भले आदमी को, पर ठेका जरूर मिल जाएगा। सो गाइज वी आर एट अवर डेस्टिनेशन, 270 मीटर रह गया, आई थिंक यही होगा, मुझे तो ये पूरा जंगल सा दिख रहा है, पता नहीं कैसा है, कहाँ पे है। यही है। वो देखो सुल्तान नेशनल पार्क, इसकी एंट्री किधर से है भैया, इसकी एंट्री किधर से है, अंदर इधर से, ठीक गेट गाइस रह गया है पीछे। थोड़ा सा रॉन्ग चलेंगे बस और ये रहा गेट, एंट्री यहाँ से है। अरे भाई रे, कहाँ पे पार्क करनी है,
यहाँ पे लगा देते हैं हम स्कॉर्पियो के साइड में। पहुंच गए तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बल्ब सेंचुरी और 15 रुपए की टिकट लगी है दोनों की। और हमारा कैमरा जो है, हमारा कैमरा अपने पास ही रखवा लिया है। अगर आप लोग कैमरा लाना चाहते हो तो 500 रुपीज उसका चार्ज है कैमरा अंदर ले जाने का। अब अंदर आ चुके हैं, देखते हैं कौन सी चिड़िया दिखती है हमें। हम इतनी दूर से देखने के लिए आए हैं। पानी भी सूखा पड़ा उस साइड, कोई पॉन्ड वगैरह सा है। चलो 7.5 रुपए वेस्ट। अभी देखते हैं आगे जाके कैसा क्या क्या दिखता है। बाकी ये कोई सी चिड़िया है, कछिया कम्बिया, क्या देखेगा ऊपर जाके। यहाँ पे पूरे फूल वूल कितने बढ़िया लग रहे हैं। अपन जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से देख के आएंगे, शायद कोई दिख जाए। क्या बोला तूने? मतलब कुछ दिख जाए। गाइस इसको गिलहरी ने डरा दिया भाई, इतना गंदा चिल्लाया ये गिलहरी से। और ये चेक करें गाइस इस साइड क्या व्यू है भाई, देख रहे हो वहां से सनराइज हुआ ऊपर। और बहुत सारी डक्स भी है वहां पे, देख रहे हो। ये चेक करें, और हम है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे। आशिक तो हर जगह मिलेंगे। हम पूरा घूमते हैं फिर उसके बाद पूरा रिव्यू देंगे कैसा है, क्या क्या देखने को मिल सकता है। बाकी अब पूरा देखते हैं घूमते हैं। ठीक ठाक ही लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग आ रखे हैं, बहुत सारे लोग आ रखे हैं तो इसका मतलब कुछ तो होगा यहाँ पे। चलो अब चलते हैं। मुझे यहाँ बहुत सारी डक्स दिख रही हैं, बाकी हम नीचे जाके देखते हैं कैसी हैं वो। भाई ये क्या पड़ा है, गाय की खोपड़ी। हाय रब जब हो मैं ये चसा।